और बुंडू के रमेश मुंडा स्मारक प्लस टू विद्यालय के प्रांगण से मौसीबाड़ी बुंडू तक हजारों की संख्या में महिला पुरुष माकपा का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और ये जुलूस सभा में तब्दील हो गया। उनका कहना है कि झारखंड की धरती से ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1855 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में आयोजित संताल हुल में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला रखने का काम किया गया, लेकिन आज झारखंड की जमीन जंगल और खनिज की लूट हो रही है और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसलिए एक और उलगुलान की तैयारी करनी होगी। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने स्थानीय जनमुद्दों को, जिसमें अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने, नगर पंचायत की अक्षमता और अन्य जनमुद्दों की चर्चा की, तो वहीं हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे बड़ी कंपनी आज झारखंड है। आज उसके अंदर क्या किया मोदी जी आए, एक भी उस कंपनी को शुरू करने के लिए जो हजारों हमारे मजदूर उस कंपनी से बेरोजगार हो गए, झारखंड के कई राज्य दूसरे कारखाने बंद हो गए, उसके अंदर कुछ करने को तैयार। क्या हम लोगों ने आह्वान किया और आज हम लोगों ने 3 किलोमीटर पैदल चल के आज मौसीबाड़ी में हम लोग इस सभा को चला रहे हैं। हम लोग रैली करने की जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझने की जरूरत है। आप लोग तो आज ये हजारों लोगों का गुलगुलान रैली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ के रांची जिला कमेटी और यहाँ के लोकल कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें लगभग के पूरे इलाके से मोदी जी झारखंड आए थे, मध्य प्रदेश में इंदौर से चुनाव प्रचार करते हुए 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा का जिस रोज जन्मदिवस है और झारखंड का स्थापना दिवस है उस रोज वो आए। झारखंड के आदिवासियों को, दूसरे गरीबों को बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ